नमस्कार, प्रणाम। आज भी मैं ये वीडियो मेरा घर से बना रहा हूँ। ऑफिस में किसी कुछ काम था, अभी जस्ट पहुँचा। रात को 11 बज गया है, 12 बजने को या 12 बजने का वक्त है। और आने के टाइम में मेरा जो छोटा सा बिल्लू है, कुत्ता है, उसे उसको बिल्ला बुलाता हूँ, उससे खेलता रहता हूँ। थोड़ा बहुत खेलने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज जो वीडियो है, ये हम थोड़ा सा पहले एक वीडियो बनाया था मैंने प्रेसिडेंट इलेक्शन का ऊपर, और मैं प्रेडिक्ट किया था द्रौपदी मुर्मू विल बी हैविंग ए लैंडस्लाइड विक्ट्री एक्चुअली, एंड सी एज प्रूव्ड इट। ओके, इसमें जो इंट्रिकेसी क्या हुआ कि ऑपोजिशन पार्टी जो ये यूनाइटेड होके कोशिश किए थे कि ऑपोजिशन करने के लिए, चलिए यशवंत सिन्हा को टोपी पहना दिए, लेकिन दैट वाज इज बैड लक एंड ये फूलिशनेस एक्चुअली। इनफॉर्मली वो रिजेक्ट कर दिए होते तो एक इनफॉर्मली कैंडिडेट डिक्लेयर हो सकता था। अभी क्या हुआ, तो उनको मिला अराउंड 3,80,000 वोट, और द्रौपदी मुर्मू जी को अराउंड 6,86,000 वोट मिला है टोटली ये में। तो दैट इज इट वाइट वॉश पर यशवंत सिन्हा। अभी भी 84 ईयर्स एज हो गया, अभी भी सोच रहे हैं कि पावर थोड़ा मिल जाए। बीजेपी उनको साइलेंट कर दिया, वो टीएमसी में गए, टीएमसी उनको कोई लोकसभा इलेक्शन में टिकट नहीं दिया, वो साइलेंट हो गए। यू नो फॉरगेट इट। द्रौपदी मुर्मू जी का जो लाइफ जो है, इसके बारे में वीडियो मैं कुछ बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो पब्लिक को पता है, जरूरी जिन्होंने पब्लिक डोमेन है छोड़े। अपोजिशन पार्टी क्रैक हो गए, काफ़ी अपोजिशन पार्टी इनको वोट किए, और इंटरेस्टिंगली जो पार्टी का जो डिक्टेट था, हालांकि ये तो व्हीप नहीं है कि ये तो सीक्रेट बैलेट है, हाँ, लेकिन व्हीप के अगेंस्ट में जाके भी, सीक्रेट बैलेट जो इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, उसके अगेंस्ट में जाके 17 सांसद और 104 विधायक द्रौपदी मुर्मू को फेवर में वोट किया, 15 बैलेट रिजेक्ट हो गया। रिजेक्शन के कारण भी बताता हूँ कहाँ क्यों रिजेक्शन होता है। एक कि इलेक्शन कमीशन जो पेन देता है ना, उसका स्पेशल इंक होता है, आप उसको टिक करना, अपनी पेन से टिक नहीं कर सकते, एक चीज़ है। दो चीज़ है कि एक बार टिक कर दिया फिर काट के दूसरा प्रिंटिंग किया, वो भी रिजेक्ट होता है बैलेट। तीसरी बात है कि अगर आप टिक करने से पहले किसी को बैलेट दिखा दिए, वो भी रिजेक्ट होता है। तो ये नॉर्म्स है। इसके लिए 15 लोकसभा का सांसद का जो बैलेट रिजेक्ट हो गया, लेकिन 17 अपोजिशन कैंडिडेट्स वो वोट किए पार्टी के अगेंस्ट में और एनडीए का फॉर में, और 104 विधायक भी उन्होंने किए, विधायक के भी कुछ रिजेक्ट हुआ है, चलिए जेल जो पता नहीं है। तो ये हुआ, तो सी एस जोन। अभी अगली जो इलेक्शन है, अगली इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, मैं थोड़ा बता देता हूँ एक्चुअली, उसमें आर्टिकल मैं देख लेता हूँ। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में देख रहा हूँ एक्चुअली, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो कुछ डिफाइन करता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे होता है, उसमें एमएलए का कोई रोल नहीं रहता है। अच्छा, प्रेसिडेंट इलेक्शन में क्या होता था कि जो नॉमिनेटेड एमपीज है राज्यसभा का, वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, लेकिन इसमें नॉमिनेटेड एमपी जी भाग ले सकते हैं। आर्टिकल 66 ये इनको
लेता है प्रोपोर्शनल वोट ट्रांसफ़र सीक्रेट बैलेट, जैसे कि एमपी के 700 वोट होता है ना, एक एमपी के 700 वोट होता है जो एवरेज जो होता है ना, वो कर सकते हैं। तो अभी दो कैंडिडेट है इसमें, एक जगदीश धनखड़ जो एनडीए की तरफ से है और कांग्रेस की तरफ से मार्गरेट एल्बा को खड़ा किया गया है, लेकिन मार्गरेट एल्बा जो है उनको खड़ा करने के ये में वो कांग्रेस वाले कुछ कॉन्सल्टेंसी नहीं किए थे। तो टीएमसी अभिषेक बनर्जी कल डिक्लेयर किए हैं कि वो वोट में एब्सेंट रहेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये है बाकी दूसरा आर्टिकल जो है आर्टिकल 64 कहता है कि जो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन है, ही विल हैव टू कंडक्ट द राज्यसभा प्रोसीडिंग्स। ओके, आर्टिकल 63 क्या कहता है मैं देख लेता हूँ। 65 कहता है ही हैज टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट इज इनकैपेबल, प्रेसिडेंट इज गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट इज इंसेंट, प्रेसिडेंट डाइज। ये उनका वाइस प्रेसिडेंट का जो ताकत है ये में। और आर्टिकल 63 क्या कहता है मैं देखता हूँ, मैं तो इतना याद नहीं रखा है लेकिन मैं देख देख के बात करता हूँ। हाँ, ये अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ जुलाई 5 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ, 19 जुलाई को ख़त्म हो गया। दो कैंडिडेट बचे, वेस्ट बंगाल का गवर्नर जगदीश धनखड़ उनको बीजेपी ने एनडीए ने कैंडिडेट बनाया, कांग्रेस नॉमिनेट किया मार्गरेट एल्बा को, और टीएमसी में जिसे बताया कि वो एब्सेंट रहेंगे और वेंकैया नायडू टर्म्स एंड 10 अगस्त और 5 तारीख को ये इलेक्शन होगा। और ये जो है जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट जो है 15 प्रेसिडेंट हो गए लेकिन वाइस प्रेसिडेंट 16th हो गए। ठीक है, ये है। तो बाकी मैं जो पढ़ रहा था, जो पढ़ कर देख रहा था, आर्टिकल 63 बोलते हैं कि ऑब्वियसली मतलब 63 आर्टिकल कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो सेकेंड फर्स्ट सीजन होते हैं प्रेसिडेंट, सेकेंड सीजन वो होते हैं उनका पास जो काफ़ी पावर रहता है, जो मतलब प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो वो करते हैं, लेकिन राज्यसभा का कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं। आर्टिकल का बता दिया, ये बता दिया, और बाकी और कुछ बोलने के लिए नहीं। मैं जो नोट किया था, जो पढ़ रहा था, आप लोग पेपर नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये इसमें जो नॉमिनेट मेंबर्स है राज्यसभा का वो वोट दे सकते हैं। तो ये है एजुकेशनल चीज़, आप समझिए। लेकिन ये तो जगदीश धनखड़ का विजय तो श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इनका पास स्ट्रेंथ है राज्यसभा लोकसभा में, एनडीए का पास स्ट्रेंथ है, वो जीत जाएंगे। मार्गरेट एल्बा को ठीक है, एक्चुअली वो जो वेरी गुड लेडी एंड व्हाट आर थिंग, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, गवर्नर रहे, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जो नंबर गेम में वो नहीं जीत पाएंगे। लेकिन मैं भी थोड़ा अचंभा रह गया, नंबर गेम कभी काम करता है, सब जगह काम करता है, लेकिन धनखड़ जी इतना अच्छा गवर्नर नहीं थे वेस्ट बंगाल का, ये में हमेशा वो जो लगरहट में रहते थे, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है देयर चीफ मिनिस्टर जी इलेक्टेड एक्चुअली एंड गवर्नर इज अपॉइंटेड एक्चुअली, ही इज़ नॉट फॉर द इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल एंड टू ये। तो वो कभी कभी इंटरफेयर करते थे रूलिंग में एक्चुअली, जो मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो के कोशिश करते थे अपनी ये जमाने के लिए, ये मेरे को थोड़ा पसंद नहीं आता था। लेकिन ठीक है, वो तो वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे, उसका देखेंगे राज्यसभा में वो कैसा कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं।
लेकिन द्रौपदी मुर्मू उनका जो गवर्नर का जो रोल है, बीजेपी में रहे, उसके बाद बीजेपी का गवर्नमेंट चेंज हुआ तो जेएमएम को आए, लेकिन उनके पास वही जो वेरी यू नो वेल टू डू एंड एज पर द रूल बुक में काम करते थे, इसलिए उनको जेएमएम का भी सपोर्ट मिला। तो ही वॉज वेरी डिसेंट लेडी, वेरी क्लीन लेडी एक्चुअली। ही डजंट बिलीव इन एनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। वंस जब पॉलिटिक्स में है तो ठीक है, जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में बैठ गया, एज ए गवर्नर प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट बैठ गए, तो आप उसमें वो पॉलिटिकल लीनिंग नहीं ले सकते। तो सी एज फॉलोड दैट एक्चुअली। और बस यहाँ पर मैं वीडियो बंद करता हूँ, अगले वीडियो में करूँगा अपना जो GST डॉलर्स डॉलर का पर वीडियो किया था, लेकिन फिर भी और कुछ क्लैरिफाई मैं करूँगा GST का पर, कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा मैं। देर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शन ऑन दो थिंग्स, क्लैरिफाई करूँगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, और इसके लिए साथ में मैं विदा रहता हूँ। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा, मेरे हाथ में मोबाइल लेके, इसलिए मेरा स्टैंड में नहीं, इसलिए मैं आपको नमस्ते सलाम दुआ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी जवान से बोल देता हूँ, सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, गुड नाइट।